आमिर खान इस समय थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि एक बड़ी बजट फिल्म का मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। हालांकि पहले दिन तो फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए हाफ सेंचुरी मार दी थी। फैंस का मानना है कि वो जिस आमिर खान को थिएटर में देखने गए थे वो उनको नहीं मिले है। उनके एक्टिंग को लेकर लोगों ने कई तरह की बातें उठाई है, लेकिन आमिर खान का कहना तो कुछ अलग ही है। बता दें कि आमिर खान ने हाल ही में एक FM चैनल से बात करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे कठिन रोल था। जी हाँ, उन्होंने थग्स ऑफ हिंदुस्तान के फिरंगी मल्हार के रोल को अब तक का सबसे कठिन रोल बताया है। उनका कहना है कि एक ऐसा रोल है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और कई तरह से हंसाता है और मनोरंजन करता है। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद आमिर खान काफी ज्यादा खुश है। उनके साथ काम करने का अनुभव काफी ज्यादा शानदार है। उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ और यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनके सामने मैं काफी ज्यादा नर्वस फील करता हूँ। फिलहाल फिल्म को लेकर कई तरह की बातें चल रही है। फिल्म को हिट होने के लिए 350 करोड़ की कमाई करनी होगी। आप मुझे बताइए, क्या 350 करोड़ ये फिल्म कमा सकती है या फिर 500 करोड़ के आगे भी जा सकती है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें स्पीडी न्यूज को, ताकि आपको और भी ऐसे लेटेस्ट खबरों के बारे में पता चल सके।